बाकी आवाजा पुठिया सीधी आती है, बापू ने गाला बहुत कटी। सो अभी भी हम रात तक को चले हुए हैं, हमने सोचा कि रात का सफर कवर कर लिया जाए क्योंकि अभी भी जो है स्पीति हमसे 350 किलोमीटर दूर है, 350 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। यस हाँ, अराउंड इतना ही है, अराउंड इतना ही है। और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है क्योंकि अगर आज सो जाते तो फिर कल का मुश्किल हो जाना था। और ये हमारे पीछे पीछे अभी भी फ्रॉक्स चल रही है, और ये मेरे साथ मेरे भाई और मेरा दोस्त बड़ा है आशीष जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे रोड के बारे में? रोड तो काफ़ी एडवेंचरस है बट थोड़ा डर भी लगा साथ साथ में, बाकी भाई मेरा साथ है मेरे को, फिर मेरे को किस बात की चिंता नहीं है। ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। अबे अपनी गाड़ी उन्होंने पहले बैरिकेड लगा दिया कि इतने बैरिकेड से कुछ नहीं होगा। छोटी सी आवाज आ रही है आसपास, तो पता नहीं सानू आगे लैंडस्लाइड हुई है तो उन साफ कर दे पे है, पर डर बड़ा लग रहा है। बाकी आवाजा पुठिया सीधी आ रही है, बापू ने गाला बहुत कट दिया यार। देख वो वहां से खुद फेंक रहे हैं, पता ऊपर वो तो गाड़ी है जहाँ पे निशान दिख रहा है वही लैंडस्लाइड हुई है, खुद कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं ये कि ताकि पत्थर ना आए। और ये हमारे पीछे ट्रक ये अटक गया था, ये भी आ गया पीछे, ट्रक आ गया बाकी ये गाड़ी मस्त चल रही है भाई, 1500 cc इंजन टाटा नेक्सॉन मस्त चल रहा है। बस इसकी पावर विंडो खराब ऐसी लग रही है, ऊपर नहीं हो रही, क्या चक्कर है? पावर विंडो हाँ आपको क्या प्रॉब्लम आई टाटा में? आप भी तो कह रहे थे कि शीशा ऊपर नहीं हो रहा। ये दोनों गाड़ियां लेके आए हैं और दोनों गाड़ियों ने अप्रोक्स हमने जब एवरेज निकाली थी भाई, दोनों गाड़ियों ने अच्छी एवरेज निकाल दी थी। फ्रॉक्स ने 15.10 की एवरेज निकाली थी और इसने 16 की एवरेज निकाली है डीजल पेट्रोल। विंडो नहीं ऊपर लॉक है लगा, अरे ये नहीं बिना लॉक के वो वाला वो वैसे नहीं आ रहा था, क्या पता आना स्टार्ट हो गया वो, क्या शीशा ऊपर नीचे उस बारी का नहीं आ रहा, उस साइड से नहीं आ रहा था। चाबी कहाँ? चाबी अंदर ही है, मैं कौन सा बाहर निकाल लिया। अरे साइड से हो रहा है, उस साइड से नहीं हो रहा, इस साइड से हो रहा है। करना ही कौन है? ये वाला लॉक है ना जो ये लॉक काम करता है इसका। ए ओहो, माइनर सी प्रॉब्लम थी भैया, प्रॉब्लम ही नहीं थी, तेरी नेग्लिजेंसी थी। हो बीआरओ वालों ने परमिशन दे दी कि हाँ भैया आप जा सकते हो, तो अभी हम निकल आए हैं। अब आगे ना कंस्ट्रक्शन लगी हो या लैंडस्लाइडिंग हुई हो, लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ पानी पानी आ गया अंदर है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, न्यू दिन न्यू सफ़र। और आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नाको माउंटेंस, अभी हम यहाँ के मिडिल में हैं और यहाँ से की मोनेस्ट्री है 150 किलोमीटर, उसके बाद हम जाएंगे चंद्रता लेक।
और यहाँ पे अब बन रही है मैगी। मेरे को एक बात बताओ, ये 6 पैकेट मैगी इसमें बनेगी? नहीं नहीं, उस अलग ही साथ से बनाई जाएगी। ओ हो, ओके। सो आप यहाँ का व्यू चेक कर सकते हैं। ओह माय गॉड,